नमस्ते आप सभी को, मैं प्रियंका लंका साहब सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए जो राइट साइड में है, और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। आज मैं शायद जितना याद है 4 महीने के बाद या 3.5 महीने के बाद अप्रॉक्स 4.5 से 4 महीने के बाद कपड़े का वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि इन दिनों में सोच रही थी मैं थोड़ा कपड़े का वीडियो से ब्रेक लूँगी। इंटेंशनली ही मैंने वीडियो नहीं डाला, जिसके बिटवीन में इतना सारा मेरा कमेंट आ गया, जिसका मेरा कुछ लोग है, मैं हर किसी को नहीं बोलूँगी लेकिन बहुत सारे है कि ऑलरेडी मैंने वो फोटो दिया हुआ है या ग्राफ दिया हुआ है और फिर भी उस वाला को ही फिर से डिमांड करता है। किसी को तो लिंक भेज देती हूँ, किसी को नहीं भेज पाती हूँ सिचुएशन, कभी कभार काम में बिजी होती हूँ जिसकी वजह से भूल जाती हूँ, और कुछ कुछ का जो मैंने कपड़ा दिया उसका डिज़ाइन नहीं दिया उसका भी बहुत फिर से मतलब मैसेज आता है ये वाला फ़ोटो का इस ये वाला रिखू का ग्राफ दो बोल के। तो ठीक है, इन फ्यूचर अभी मैं फिर से रेगुलर दूँगी कपड़े का मतलब ग्राफ। और आज कौन सा कपड़ा दिखा रही हूँ वो दिखाती हूँ, आप लोग वेट कीजिए। आज एक सेट दिखा रही हूँ, सेट इन द सेंस ये रिगू सेट नहीं है, मतलब मेखला सेट नहीं है, ये एक कलर का सेट है जो हम लोग रिजम भाई लगाते हैं, ये है रिगू यानी मेखला। देखिए डिज़ाइन, इसका भी रिखू मैं अटैच कर दूँगी। दिलम्बलाई रोइना पटे रैनशी किबीम प्रापंग किबीम ये वाला मिशा, ये वाला मिशा, ये है डिज़ाइन का नाम। कोई रिखू जाले इलाई ब्लाउज पीस भी बनवाया है, अब तक फिलहाल अब तक मैंने स्टिच नहीं किया है इसका ब्लाउज, फिर भी देखिए ब्लाउज में है, ब्लाउज आज आर्डर होने पड़े रेंशी के गजर डाउबा क्लब शिशिन डाउबा गिबिम डाउया। फिर इसका रिखौशा है, ये है रिखौशा, कलर कंबाइन करके बनाया है मैंने, मतलब मैंने नहीं बनाया सॉरी, ये ऑर्डर देके मैंने बनवाया है हफलों में, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। देखिए रिखू, ये वाला रिखू भी मैं अटैच कर दूंगी। तो एक बार आप सभी को लगा के दिखाती हूँ कैसे लगेगा पता नहीं, ब्लाउज तो फिलहाल नहीं है फिर भी ऐसे ही मैं लगा के दिखा देती हूँ। सो मैंने ऐसे ही मेरा नाइटी के ऊपर लगा के देख लिया है आप सभी को दिखाने के लिए, देखिए लंबा काफी लंबा है दोनों साइड से, लेकिन इतना लंबा है फिर एक साइड से लेने से तो देखिए काफी लंबा चादर है, काफी लंबा है इसको, यहाँ पे और एक लेयर लगाते हैं सेस रेपर उसके बाद इसको लेंगे। फिलहाल तो मैंने ये नाइटी के ऊपर ही लगा लिया, मुझे ये सूट कर रहा है या नहीं या मुझे थोड़ा डार्क बना रही है कॉमेंट कीजिएगा ये कलर कैसा लगा। और एक बात बोलना चाहूँगी, ये मिस्टेक मैंने किया है, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग नहीं करते लेकिन गलती से ही सीखेंगे, तो मैंने भी ये गलती से ही सीखा। सबसे पहले तो मैंने ये रिखौसा बनवाया, बहुत महीना पहले बनाया है, अभी बनाया ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर 2023 में ही बना के यहाँ पे करीमगंज में भी आ गए थे, मैंने उसका वीडियो नहीं लिया पहले। तो ये थ्रेड पहले खरीदा, उसके बाद ये बनने का 1-2 महीने के बाद जाके मैंने ये रिगो और ब्लाउज का, ये मेखला और ब्लाउज का थ्रेड खरीदा था। अभी शायद ऐसे देखने में सेम ही कलर लग रहे होंगे या थोड़ा बहुत शेड का 19-20 आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं पता नहीं, फिर भी इसका ये थोड़ा लाइट है और ये थोड़ा डार्क है, मतलब एग्जैक्ट कलर नहीं है क्योंकि मैंने ये थ्रेड 2 बार खरीदा है, तो 1001 कलर होने से भी थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको पूरा सेट बनाना है और आप चाहे उस समय पे ना बनाए ये रिखौसा और रिगू एक साथ, अलग अलग टाइम पे बनाने से भी थ्रेड लेकिन एक साथ ही खरीदना बेटर है, क्योंकि थोड़ा सा शेड में 19-20 हो जाता है, मुझे तो समझ में आता है किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा, लेकिन मैं ओनर हूँ सामने से देख रही हूँ बोल के मुझे पूरा समझ में आता है। और कैसा लगा कमेंट कीजिएगा मेरा ये रिखौसा और मुझे ये कलर सूट करता है या नहीं। इन फ्यूचर जब मैं पूरा ये रेडी ब्लाउज
सब कुछ रेडी होने के बाद लगाऊंगी तो आप सभी को दिखाई दे ही जाएगा। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और नेक्स्ट रिगू है, ये सिंपल में है, ये रिगू देखिए सिंपल सा है। वैसे ही मुझे ऐसा टाइप का रिगू या रिकू ज़्यादा अच्छा लगता है जो प्लेन हो रेगुलर यूज़ के लिए, और आस पर उसमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा फंक्शन होने के टाइम लगाने के लिए। देखिए रोइना बठाई और ये प्रपंग बोखरो, ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों रिकू का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सिंगल रिगू है और ये बहुत सुंदर, मतलब लगाने के बाद और खिला खिला लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मैचिंग भी बहुत होता है, हर किसी को मैच होता है ये। और एक है सेम प्रोजेक्ट का ही है, ये भी देखिए बहुत सुंदर है, सिंपल सा क्यूट दिलम्बलाई और रोइना बठाई रेनगिन, इसका भी मैं दे दूंगी रिखू। फिर तो ये जंकरा हाफ, पहले के टाइम में ऐसा करते थे, बोर्ड साइड में भी डिजाइन बनाते थे, बोर्ड साइड में भी रिखू होता है, तो ये वाले भी सेम ही है, बोर्ड साइड में रिखू है। देखिए इस साइड में एक और ये दूसरा साइड में, और दूसरा साइड में भी देखिए दूसरा साइड का रिकू है, ये रोइना बठाई, फिर ये प्रापंग और इसका बोखरो भी देखिए, इसका नाम तो नहीं पता लेकिन इसका भी मैं वीडियो दे दूंगी बना के ग्राफ। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा कपड़े का वीडियो? आई होप इससे भी किसी को रिकू मिल जाए जो हेल्प हो जाए। और आप लोग थोड़ा कष्ट करके थोड़ा स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, कुछ कुछ का जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसको फिर से मांगने का मतलब कोई सेंस नहीं है। और ये बोलना चाहूँगी कि मैं जो वीडियोस डालती हूँ वो सेल्फ पर्पस के लिए नहीं है, मैं सिर्फ आइडिया शेयर करने के लिए या ग्राफ शेयर करने के लिए, मेरा थॉट शेयर करने के लिए मैं डालती हूँ, और तो सेल्फ पर्पस के लिए नहीं है, सॉरी उसके लिए। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और फ्यूचर में भी और कपड़े का वीडियो लेके आऊंगी। और कौवा का कर रहा है शाम का, उड़ गया, तो बाय बाय।